Hello everyone, welcome you all at Logisar Unlimited Study Zone. So guys, we have completed our chapter work energy power till the last classes up to the topic efficiency, and we have covered percentage efficiency. Okay, now we moving out to the next topic. Our next topic is collision. Let's try to understand what is collision. चलिए collision पर बात करते हैं. अगर simple शब्दों में बात की जाए भाई साहब, collision का मतलब क्या होता है? तो collision का मतलब होता है टक्कर. collision का मतलब क्या होता है? टक्कर, यानी कि टकराना. ओके, अब आप एक चीज को समझो यार, कि यहां से आपने एक बॉल ले ली, एक भाई आपने यहां से बॉल ले ली, इस पे हाथ लगाया और आपने यहां से बॉल ले ली, इस पे एक हाथ लगाया, इस सरफेस को जिस पे ट्रेवल कर रही है, इनको फ्रिक्शन लेस मान लो थोड़ा, क्योंकि हम लोग जितनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं सब फ्रिक्शन लेस के लिए पढ़ रहे हैं. ओके, ये यहां से आपने इसको फेंक दिया, यहां से आपने इसको फेंक दिया. जब तक आपके हाथ में थी तब तक तो इस पर फोर्स लग रहा था, बट आपके हाथ से रिलैक्स होने के बाद इस पर कोई पीछे से उंगली तो नहीं कर रहा ना, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. यस और नो? चलो दूसरी चीज, अगर कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी से अच्छे समझ में आएगा, इधर से एक कार आ रही है और इधर से एक कार आ रही है, तो यहां से दोनों कार आ रही है, मुझे बताइए कि इन दोनों कारों पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है कि इंटरनल फोर्स? ये जो कार चलती है ये किस फोर्स से चलती है, एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल फोर्स, क्योंकि भाई धक्का तो कोई मार नहीं रहा पीछे से, अपने ही फोर्स से चलती है. यस yes. मतलब कि नेट फोर्स जो इस पे एक्सटर्नल है वो कितना है? जीरो है. कितना है? जीरो है. तो अगर आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि F इज इक्वल टू होता है डीपी बाई डीटी, बोलो याद है कि नहीं याद है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और अगर यदि फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है? जीरो, तो पी को क्या होना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो. क्या होता है? मतलब ये पूरी प्रोसेस है कि अगर कुछ भी हो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है भाई, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है मतलब हर हालत में मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा ही, मतलब सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट. मतलब टक्कर के पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा हर हालत में. बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं आई? मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा. कोई बोले सवाल करे क्यों, तो भाई जवाब दे देना भाई साहब कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है. हाँ ना, सारा का सारा काम कौन करा रहा है? इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है भाई साहब, इसलिए मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट रहेगा. डजेंट मैटर कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक. आइए तो बात करते हैं कोलिजन की. कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू विच एनर्जी एंड द मोमेंटम इंटरचेंजिंग बिटवीन द बॉडीज. एनर्जी और मोमेंटम चेंज होती है. एनर्जी और मोमेंटम क्या होती है? चेंज होती है भाई. मोमेंटम का लेन देन होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेन देन जरूर होगा. जैसे मान लो ये बॉडी ए है, कहाँ गया? ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मोमेंटम 10 है और इसका 15 है. बोलो हाँ, क्लियर हुआ? ये आ रही है इस तरफ, ये आ रही है इस तरफ. हाँ या ना? भूम भड़ाम हो गया भाई साहब, चेंज हो गया. पहले वाले का 15 हो गया, बाद वाले का कितना हो गया? 10. भैया पहले इसका कितना था? 25. अभी भी कितना है? 25. देखो भैया, लेन देन हो गया, लेन देन अलाउड है, मगर टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा. बोलिए यस और नो? अब भाई एक बात आती है, मोमेंटम की बात तो कर ली कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, दूसरी बात आती है एनर्जी. क्या आती है? अगर एनर्जी भी कंजर्व रहे, ये तो मोमेंटम की बात थी, यानी कि मोमेंटम यानी पी टोटल. अगर मैं बात करूं एनर्जी टोटल, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, यदि काइनेटिक एनर्जी यहां भी 100 थी और टक्कर के बाद भी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? 100 रहे. तो इस प्रकार की टक्कर को मैं बोलता हूं इलास्टिक कोलिजन. ब्रदर मैं इसको बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक. क्या बोलूंगा? इलास्टिक. बिल्कुल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, 100 पे गया 100 पे आया, समझ गया ना? 100 पे गया 100 पे आ गया, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक. बेटा इसका मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, यूं आपने गया और उसी उल्टे वेलोसिटी से, सेम मास सेम वेलोसिटी. मतलब यहां पर क्या लेकर के गया था? हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां भी क्या लौट करके आया? हाफ एम वी स्क्वायर. कहीं लॉस ना हो यार, ऐसा तो जिंदगी में हो नहीं सकता. आप बॉल को भी पटकते हो तो बॉल जो होती है लौट करके आती है तो उसकी हाइट कम हो जाती है. बोलो हाँ है ना? यस और नो? तो बट आपने एक बॉल देखी होगी, चाइना बॉल. क्या देखी है? जिसको पटको तो वो थोड़ा वहीं तक लगभग लगभग आ जाती है. यस और नो? मतलब उसका कोलिजन लगभग इलास्टिक के पास में है, मगर यार परफेक्टली इलास्टिक तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है. बोलो हाँ या ना? क्योंकि टकराने में जो आवाज आती है, मतलब कि वो क्या हुआ है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपने केवल मोबाइल गेम में देखा होगा, पिनबॉल गेम में जो बॉल ऐसे उड़ते हैं, ये
बिल्कुल यहां टकराया उसी एंगल से आएगा, बिल्कुल अपोजिट रिफ्लेक्शन होता ना जो, कि ऐसे टकराया तो सेम एंगल में, फिर यहां टकराएगा तो सेम एंगल में इधर जाएगा, बोलो ये सुनो। तो वो कल्पनाओं में ही संभव है। दूसरा, गैसेस के मॉलिक्यूल का जो कोलिजन माना गया है दोस्त, वो माना गया परफेक्टली इलास्टिक। क्या माना गया है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माना गया। इसलिए ये माना जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल अपनी आपसी टक्कर में किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं करते, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो आइए, ये तो हो गई डेफिनेशन, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोलिजन की। देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, दैट इज द कोलिजन बिटवीन द कोलिजन बिटवीन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अरे भाई साहब, इसको इलास्टिक से अच्छा परफेक्टली इलास्टिक बोलो। क्या बोलोगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, सिंस द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ऑपरेटिंग बिटवीन द इंट्रैक्टिंग बॉडीज बोथ, काम की बात, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी और मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट, वो तो रहना ही है भाई साहब, मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट रहना ही है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। हाँ, इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? द टाइप ऑफ कोलिजन बिटवीन परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज। ऐसा कोलिजन जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज में हो जाए और दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाएं, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, और दोनों चिपकने के बाद भाई साहब सेम वेलोसिटी से मूव करने लग गए। मैंने एक एक्सीडेंट देखा भाई साहब, पीछे आगे टेम्पो जा रहा था। क्या जा रहा था? टेम्पो जा रहा था। ऐसे आपने भी देखे होंगे कि बड़े बड़े एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, ये टेम्पो जा रहा था, एक बड़ी सी टेम्पो जा रही थी और यहाँ से भागते हुए एक पापा की परी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक एक्टिवा चला रही थी। क्या चला रही थी? एक्टिवा। और उसने जा करके यहाँ से मुड़ना था, वो सीधे जा करके इसके अंदर घुस गई, सीधे अंदर घुस गए। आई डोंट नो उसको कौन सा एक्सपेरिमेंट शो करना था, वो सीधे जा करके टेम्पो के अंदर लैंड हो गई। समझ में आ गया ना? मतलब इतनी जोरदार टक्कर थी कि चके तक स्ट्राइक खा करके उसके अंदर आ गए और टेम्पो के अंदर जा करके घुस गई। समझ गए ना? और फिर उसके बाद जिस स्पीड से टेम्पो चल रहा था उसी स्पीड से उसकी एक्टिवा भी टेम्पो के साथ 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 चल रही थी। आगे से समझ में ना, क्लियर हो गया? मतलब कि हो गया क्या कि मतलब फाइनली दो बॉडीज है वो स्टिक करके सेम कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। जैसे कोई चोर भाग रहा है और चोर भाग रहा है तो पुलिस वाले ने गोली मार दी, ठाँ मारी गोली और गोली चिपक गई चोर के बॉडी के अंदर। अब जिस स्पीड से चोर भागेगा उसी स्पीड से गोली भी भागेगी। तो ये क्या कहलाता? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया ना? दिस टाइप ऑफ कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी का तो सत्यानाश हो जाता है, बोलो। हाँ है ना? एक काइनेटिक एनर्जी तो टोटली जीरो हो जाएगी वो पहले वाले की, बिकॉज क्योंकि जाकर के उसमें थम गया है ना। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बिटवीन द इंट्रैक्टिंग बॉडीज। जो कि काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं होगी। युवराज, हाँ ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी कंजर्व नहीं होगी। पार्शियली इलास्टिक और पार्श, अब भैया दोनों के बीच की बात कर लेते हैं, दोनों के बीच की बात, ये है इलास्टिक और ये भाई साहब इनइलास्टिक। बोलो हाँ जा भाई, दोनों के बीच में एक वाइड रेंज है, इनके बीच में जो कोलिजन होगा ना वो कहलाएगा पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको? अब भैया अगर ये पार्शियली इलास्टिक है तो पार्शियली इनइलास्टिक भी तो कह सकते हो ना, है ना? अगर ये आधा मेरा है तो भाई आधा तेरा भी तो है, तो इसलिए पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। दैट इज द कोलिजन बिटवीन द पार्शियली इलास्टिक बॉडीज। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन बॉडीज सेपरेट फ्रॉम वन अदर आफ्टर द कोलिजन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव इलास्टिक फोर्सेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड एंड ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब यार सिंपल वाली टक्कर जो आप जाकर के दो लोग भिड़ जाते हो, बोलो हाँ है ना? आप जाकर के दोनों लोग भिड़ गए भाई, साइकिल से तुम आए दोनों भिड़ गए। अब ऐसा तो नहीं कि दोनों चिपक गए, अगर चिपक गए होते तो परफेक्टली इलास्टिक, हाँ है ना? जिस स्पीड से तुम आते हो जिस स्पीड से वो आते, तुरंत टकरा करके उल्टी डायरेक्शन में वापस हो जाते वैसे ही, तो ये क्या होता? परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता? परफेक्टली इलास्टिक, हाँ ना? मगर दोनों आकर के भिड़े, थोड़ी सी एनर्जी लॉस कराई और चलते बने, तो ये क्या है? पार्शियली इलास्टिक। समझ में आ गया कि नहीं है? क्लियर है ना भाई? ऐसा तो होना सकता ना अपनी जिंदगी में कि अपन जा करके ट्रक से चला गए, ट्रक से भिड़ गए, बोलो हाँ, और जिस स्पीड से हम आ रहे थे उसी स्पीड से बैक हो गए और ट्रक भी बेचारा जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से बैक हो गया। ऐसा होता तो क्या होता है? परफेक्टली, अरे क्या कह रहे हो, तब होता परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता? परफेक्टली इलास्टिक, कोई लॉस नहीं होता ना एनर्जी का, बोलो हाँ है ना? तब होता परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर होगा ना? हाँ।
तो आइए बात करते हैं इसके एनालिटिक ट्रीटमेंट की। इसमें खतरनाक फॉर्मूला बनता है, वो अपन ड्राइव करने जा रहे हैं। कोलिजन इन वन डायमेंशन एनालिटिक ट्रीटमेंट, ये देखो भाई साहब, ये लाल वाली बॉल, ये ब्लू वाली बॉल, ये U1 वेलोसिटी और ये U2 वेलोसिटी, बोलो है ना। नेचुरली भाई टकराना है, मतलब U1 जो होगा बड़ा होगा किससे, U2 से, ये तेज आ रहा है धीमा आ रहा है ना, तभी तो टक्कर मारेगा। U2 तेज होता तो अच्छा निकलता जाता। ये देखो ये कोलिजन हो, टकरा गए। अब टकराने के बाद हो क्या रहा है, देखो टकराने के बाद हो क्या रहा है, ये U1 था, ये टकराया इससे, बोलो जी हाँ है ना। तो ये जो दो वेलोसिटी बनी, एक बनी V1 और एक बनी V2, ये बताओ जो V1 होगा, जो पहली वाली का होगा, V1 वाला स्लो डाउन हो जाएगा कि तेज हो जाएगा? स्लो डाउन हो गया। तो जो लोग V1- नया वाला जो V1- है वो U1 से कम हो गया, मतलब जो इसकी वेलोसिटी थी इससे कम हो गया। और जो V2- है ये ब्लू वाला, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई ना। तो जो V2- है वो U2 से, अपनी जो एक्चुअल थी उससे ज़्यादा हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, है ना। और अगर दोनों दोनों जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, क्लियर है ना। दोनों अगर जुड़ गए तो, चिपक गए तो, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या थी भाई साहब, U2, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी, U1, ये ज़्यादा थी ये कम थी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो जाएगा, समझ गए ना। U1 और U2 के बीच में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो जाएगा और एक बीच की वेलोसिटी लेकर के ये चलना शुरू कर देगा। बोलो आई मेरी बात समझ में। तो ये वाला जो केस है ये परफेक्टली इनलास्टिक के लिए। तो बात करते हैं, आइए, कंसीडर द टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 विद देयर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। भाई मास की बात हुई है, मास कहाँ पर डिपेंड करता, सेंटर पे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात कर दी गई, स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड U2 विद मास M1 एंड M2, कंसीडर कंडीशन नेसेसरी फॉर कोलिजन इज U1 ग्रेटर देन U2, मतलब पीछे वाला तेज और आगे वाला स्लो, ड्यू टू विच द बॉडी स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1-U2। देखो भाई साहब, यहाँ पे एक वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1-U2, हाँ है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, भूल गए क्या, दैट इज इक्वल टू VA-VB, हाँ है ना। आगे वाला पीछे वाला किसको देख के दौड़ता, आगे वाले को ना, तो U1-U2, बोलो यस और नो। ये ए है ये बी है, तो भैया VA-VB हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोलो हाँ है ना। कॉलिजन स्टार्ट एज सून एज द बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट ड्यू टू दिस ग्रेट वेलोसिटी एंड इनर्शिया M1 कम टू पुश M2 फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेरस M2 ड्यू टू दिस स्मॉल वेलोसिटी एंड इनर्शिया पुशेस M1 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। लियो भाई टक्कर हुई, ये टक्कर हुई, पीछे वाला किसको मारेगा टक्कर, आगे, और आगे वाला किसको मारेगा पीछे, मतलब जो पीछे था उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो आगे था उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टक्कर अपोजिट डायरेक्शन में हुई है, हाँ। ड्यू टू दिस पुशिंग फोर्स इन्वॉल्व बिटवीन द टू कोलाइडिंग बॉडीज, दे गेट डिफॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड अ पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी गेट कंज्यूम इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज। इस समय थोड़ी सी एनर्जी उनके डिफॉर्मेशन में यूज हो जाती है, जैसे कि दो टक्करें होती है, दो लोग टकराते हैं, तो कुछ एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है, होती कि नहीं होती है। Also, M1 being pushed opposite to direction in motion goes on decreasing its velocity. M2 push forward direction, तो उसकी velocity बढ़ जाती है. This process continues until both the bodies acquire the same common velocity V up to the stage the maximum deformation of the bodies, maximum part of the kinetic energy get consumed in their deformation. भाई ये तब की बात की गई है, अगर दोनों common velocity V gain कर देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए, दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए, तभी तो आएगी कॉमन वेलोसिटी। मतलब ये बात हो गई यहाँ पर किसकी, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की। ओए तो मेरे ख्याल से ये इन इलास्टिक ही थे क्या, कोलिजन इन वन डायमेंशन एनालिटिकल ट्रीटमेंट, हाँ भाई साहब ये इन इलास्टिक ही था, क्या था ये इन इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन की बात यहाँ पे हो रही है, इलास्टिक कोलिजन की बात यहाँ पे हो रही है, ये देख लो भाई साहब देख लो। ओके ये वी वेलोसिटी है, ये तो हो गया, पहला पार्ट डिस्कस कर लिया। अब देख लो इसमें मर्ज कर दिया इलास्टिक कोलिजन का, ये V1 है ये V2 है और इधर V1 V2 चलना शुरू कर दिया। देखिए इन केस ऑफ, आप इसको मत देखो, इसको छोड़ दो, इसको देखो आप, ये वाला पार्ट है ना जो मैंने बताया था आपको इस स्टार्ट में कि दो लोग की टक्कर हुई, यहाँ वेलोसिटी U1 और यहाँ वेलोसिटी U2। अब ये देखिए भाई साहब यहाँ पे V1 है और यहाँ पे क्या है, V2 है, समझ गए ना। अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलास्टिक बोल रहा हूँ बट मैं परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इलास्टिक बट मैं परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल रहा हूँ, फीलिंग को पकड़ना। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा, सुनो सुन लो, अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा, बोलो ये कितना है, ये कितना है, अगर परफेक्टली इलास्टिक हुआ तो टक्कर के बाद भाई साहब ये हो जाएगा U2 और ये हो जाएगा U1, समझ में आ गया, मतलब कहीं एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कहीं एनर्जी का
लॉस नहीं होगा, इसका मास एम है, इसका मास एम है, इसका मास एम है, इसका मास एम है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, बस ये हो जाएगा। अब देखो, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब भाई साहब आप बात कर रहे हो परफेक्टली इलास्टिक की, हमारी चिंता खत्म, ये जो हो रहा है किसके लिए हो, परफेक्टली इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक, हैंस आफ्टर द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देयर टेंडेंसी टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। हाँ जी, चाइना बॉल टकराई जमीन पे और अपना शेप क्या हो गया, रिगेन कर लिया और काइनेटिक एनर्जी रिस्टोर कर लेगी। ड्यू टू विच दे स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, सिंस एम टू इज बींग पुश इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वेलोसिटी गोज इंक्रीजिंग, एम वन इज पुश इन द अपोजिट डायरेक्शन सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दस कंडीशन नेसेसरी फॉर द सेपरेशन दैट इज वी टू ग्रेटर देन वी वन, मतलब टक्कर के बाद देखना, टक्कर के बाद कौन सा हो जाएगा, वी टू बड़ा हो जाएगा और वी वन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलो ऐसा नो, ये तो पता ही है ना भाई, आगे वाला ज़्यादा वेलोसिटी जाएगा जो जिस पे टकराया, इसने धक्का खाया, एंटेन एंड द बॉडीज गेट सेपरेटेड विद द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी टू माइनस वी वन। देखो दो चीजें आई यहां पर, एक आई है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू वन माइनस और एक आई है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी टू माइनस। आई बात समझ में, इन सच कोलिजन द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज विच हैज बीन कंज्यूम्ड इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज अगेन रिटर्न बैक टू द सिस्टम व्हेन द बॉडीज रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, हेंस इन सच कोलिजन एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड अलॉन्ग विद द मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, सो दिस कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया, ठीक है ना? तो भाई अच्छी बात है, मतलब हम लोग जब इलास्टिक की बात करते हैं तो हम लोग इसको इलास्टिक कोलिजन ही समझते हैं, परफेक्टली इलास्टिक हुई। आइए देखते हैं, तो दो प्रकार के रूल यहाँ पे लगने हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन लग गया भाई, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू, बोलो क्या एनर्जी, फाइनल एनर्जी, मतलब हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, भाई दो आए थे शुरू में, आया ना दो की एनर्जी यू वन यू टू लगा दिया, ये इक्वल टू फाइनल बाद के क्या हो गया, ये वी वन हो गया, ये क्या हो गया वी टू। बोलो यस और नो, हाफ हाफ कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया बेटा, एम वन इस साइड का यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, पहले इसको इधर लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर, हाँ है ना। सो एम वन कॉमन लेने के बाद यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, एम टू कॉमन लेने के बाद वी टू स्क्वायर माइनस यू टू, क्योंकि वी टू तो यहीं बैठा है, यू टू उछल करके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, चलो खोल डालो, ए प्लस बी ए माइनस बी, यू वन माइनस वी वन यू वन प्लस वी यू वन प्लस वी वन, और यहाँ यू टू माइनस वी टू, सॉरी वी टू माइनस यू टू और वी टू प्लस यू टू, ये पहला बना लेना, बोलो फर्स्ट यस और नो। अब आइए मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई करते हैं, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। एम वन देखिए भाई साहब कॉमन ले लो, इधर इसको बुला लो, तो एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू टू, पक्का? अब ध्यान से देखो यार, इसमें फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले को डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले को, तो एम वन से एम वन क्या हो जाएगा कैंसिल, हाँ है ना, यू वन माइनस वी वन से यू वन माइनस वी वन क्या हो जाएगा, और वी टू माइनस यू टू से वी टू माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब क्या समझ में आ रहा, केवल ये इक्वल टू ये बचेगा, हाँ या ना, मतलब यू वन प्लस वी वन इक्वल टू वी टू प्लस यू टू, पक्की बात? इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये बन जाएगा यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। भाई साहब इसको मैंने क्या पढ़ाया था, ये था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, याद आया, ये थी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यस और नो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्लियर हो गया? सो वी टू माइनस वी वन इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, बस याद रखना वी टू माइनस वी वन इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, हाँ या ना, कल यही अपना फायदा कराएगा। और बेटा जी इसके जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है, समझ गए ना, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू को हम ई से शो करते हैं और ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आ गया ना? तो यहां तक आप लोग आज कर लीजिए, कल मैं आपको अलग अलग वेलोसिटी डेवलप कराऊंगा। कौन सी वेलोसिटी भाई साहब, जब आपने गेंद फेंकी तो आपको यू वन पता था कि नहीं पता था, यू टू पता था कि नहीं पता था, टक्कर के बाद नहीं पता क्या हुआ, मतलब टक्कर के बाद दो वेलोसिटी, एक है वी वन और एक है, तो कल मैं आपको निकलवाना सिखाऊंगा वी वन और वी टू की, वी वन कैसे निकालते हैं और वी टू कैसे निकालते हैं। तो आज तक का जो आपका डेरिवेशन है आपको यहीं तक करना है, और कल मैं ये जो वी वन वी टू इन लोगों ने ऐसे लिख दिया है, समझ गए ना, बिल्कुल कहीं कुछ हेल्प नहीं करिए, डायरेक्ट लिख दिया, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि वी वन वी टू कैसे निकालते हैं, और फिर मैं आपको डिफरेंट केस कराऊंगा कि दोनों बॉल बराबर हैं तो क्या होगा, अगर ट्रक से स्कूटर लड़ गई तो क्या होगा, अगर स्कूटर से ट्रक लड़ गई तो क्या होगा, हाँ या ना, क्लियर हो गया ना, यस तो कल इसके अपन डिफरेंट बहुत सारे केस करेंगे। और भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो देख लो, बहुत ही सिंपल है भाई साहब, देखिए इनिशियल इक्वल टू कितना, फाइनल, हाँ या ना,
तो देखिए m1 u1 plus m2 u2, बोलो टक्कर के बाद क्या हो गया, टक्कर के बाद दोनों चिपक गए, बोलो हाँ है ना, स्कूटर के चली गई कार के अंदर, यस और नो। तो भैया दोनों का मास कितना हो गया m1 plus m2 और कॉमन वेलोसिटी आ गई v, बोलिए यस और नो। तो इसको नीचे ले गए तो v का वैल्यू आ गया कि नहीं आया, तो ये बन गया इनइलास्टिक कॉलिजन और इसी को बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। बोलिए आ गया समझ में ना। तो वन डायमेंशन कॉलिजन बेटा आपके सिलेबस में है, वैसे टू डायमेंशन भी है मगर आता नहीं है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन सिलेबस, टू डायमेंशन कॉलिजन एक्चुअली तब यूज होता है जब हम वो लक्ष्मी बम होता है ना वो दिवाली के टाइम में हाथ में लेके ऊपर फोड़ देते हैं, बोलो हाँ है ना, तो उसका एक टुकड़ा यहाँ भाग गया एक टुकड़ा यहाँ भाग गया, भाग जाता है ना, तो उस समय लगता है टू डायमेंशन कोलिजन, मगर जमीन में तो हम लोग यूज करेंगे। ओके, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको मैंने बोला था ई बोलते हैं वो भी यहाँ तक आ चुका है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। अगर ई की वैल्यू वन है बेटा तो इसको हम बोलेंगे इट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि e की वैल्यू 1 रख दो यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, पढ़ा ना अभी। तो अगर v2 v1 इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो ये बन जाएगा परफेक्टली इलास्टिक इक्वल टू 1 के लिए, बोलो ऐसा नो। अगर इक्वल टू 0 रख दो भाई साहब, इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू v1, हाँ है ना, मतलब टकराने के बाद टेम्पो और स्कूटी एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक, हाँ है ना। और अगर e की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है मतलब क्या है ये पार्शियली इलास्टिक कह लो या पार्शियली इनइलास्टिक कह लो। तो आपको आज करना क्या क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूरा करना है ना, एंड देन उसके बाद आपको ये वाली चीज करनी है भाई इनइलास्टिक वाला पार्ट, क्या करना है इनइलास्टिक जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इनइलास्टिक में क्या रहेगा भाई, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया ना। और इसके पहले मैंने इलास्टिक का जो पार्ट कराया है यहां तक आप लोग